सो कहानी ये है कि हम जा रहे थे हुसैन की टेकरी और वो बंद थी कोरोना की वजह से, और जो हमारे जो ड्राइवर थे जो हमें लेके आए थे उन्होंने बताया कि कोई क्या नाम है भादवा माता का कोई मंदिर है जहाँ पे अगर पैरालिटिक पेशेंट आते हैं तो ठीक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली हमारे लिए यूनिवर्स का इशारा था कि अब यहाँ ना जाओ वहाँ जाओ, जबकि हमारी प्लानिंग नहीं थी यहाँ आने की, हम यहाँ आ गए हैं और मेरी मम्मी को लेके जा रहे हैं। सो कई लोग बताते हैं कि यहाँ पे पैरालिटिक पेशेंट्स आते हैं 2 या 3 या 5 संडे और वो पूरे ठीक होके जाते हैं। सो दिस इज़ हाउ यूनिवर्स गाइड यू, सो आई विल डेफिनेटली अपडेट यू। हम यहाँ मंदिर आए हैं फिर मम्मी को लेके, और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पे जब भी कोई पैरालिटिक पेशेंट आते हैं वो 5 संडेज अगर यहाँ आ गए तो वो पूरी तरह से ठीक हो जाते हैं। और ये सब यूनिवर्स गाइड था, हमारा कोई प्लान नहीं था, बट यहाँ आना लिखा था तो आ गए हैं। वो मेरी मम्मी आगे जा रही हैं। सो मेरी LOA बैच थी आज 4 बजे की, और जब मैंने ये फिक्स किया था तो मैं भूल गई थी मेरी LOA बैच है, बट मेरी LOA 5th बैच के पार्टिसिपेंट्स जो हैं मेरे स्टूडेंट वो इतने कोऑपरेटिव हैं, वो बिल्कुल शिकायत नहीं करते कि मैम हमारा बैच कब होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर ऑल माय स्टूडेंट्स। अलग लाइन है क्या यहाँ पे? हाँ अभी कोई लाइन नहीं है, चलो। नहीं है क्या वहाँ पे? पुरुष और महिला लिखा हुआ है। यहाँ पे लिखा हुआ है यहाँ चांदी की जुबान और पुतली पाँव नेत्र सारी। यहाँ पे मेरे भैया एक बात बता रहे हैं, आप क्या बता रहे हो? वो एक दुकानदार से मेरी बात हुई थी, हाँ। तो बता रहे थे कि वो तोतला था बिल्कुल, यानी कि उसकी माँ और वो दोनों, हाँ। तो माता रानी को उन्होंने बोला कि हम चांदी की जुबान चढ़ाएंगे, हाँ। तो वो चढ़ाए उसको, तो अब जो आज कितने क्लियर बात कर बोल रहा है, हाँ। यार, तो सो... सब वो जो भी बीमारी है जो भी है सब चीज माता रानी के पास सब सही हो जाता है। तो हम यहाँ जो आए हैं वो हम यूनिवर्स के गाइडेंस से आए हैं, विदाउट प्लानिंग आए हैं, सो रीज़न रहा होगा इसीलिए आए हैं। और मैं चाहती हूँ जैसे ही मेरी मम्मी ठीक हो ये वीडियो सब तक पहुँचे, और जितने लोगों को भी कोई भी कंसर्न है हेल्थ कंसर्न वो यहाँ पे आके दर्शन करें और बिल्कुल हेल्दी हो जाएं। यहाँ 5 संडे तक लोग रुकते हैं अपन, हाँ। जब तक स्वास्थ्य ठीक नहीं होता तब तक लोग यहाँ इंतजार करते हैं। तो ये फैमिली वाले हैं जिनके पेशेंट्स, हाँ, जो पैरालिटिक पेशेंट्स हैं वो लोग यहाँ वेट करते हैं, उन्हीं के लोग रुके हुए हैं। ओके पहले आना पड़ेगा, हाँ। अरे मेरे कितने स्टूडेंट है जीतू जिनको पैरालिसिस का प्रॉब्लम है, तो हम उन्हें बता देंगे यहाँ का। इसको बोलते हैं अमृत बावड़ी, ओके। इसी 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 के जल से स्नान करते हैं सब लोग, इसी से ठीक होते हैं। ओके इस कुएं में झांक के देखिए एक बार, चलो इस कुएं में झांक के। वो बोल रहे वो बावड़ी वो वाला कुआं है जिसके पानी से सब ठीक होते हैं। हाँ हाँ मुर्गे घूम रहा है, हाँ।
सो ये कुआं बहुत फेमस है और इस कुएं का पानी से नहलाया जाता है पेशेंट्स को, और पेशेंट 4 से 5 वीक में ठीक हो जाते हैं, पैरालिसिस के पेशेंट्स। इसमें पानी है। ओके, सो ये कुआं है। आप बताइए वो तेल से आप मालिश कर लेना। हाँ। जो साइड में है ना पैरालिस, हाँ। उसी उसी हाँ, तेल से मालिश कर लेना। अच्छा। वो जो पानी में लगा ना, वो जो नहाते ना है बाल्टी में, हाँ। वो बाल्टी लेके उस पानी में 2-3 नंबर पानी डाल, बाल्टी यहाँ मिलेगी, वो आप घर पे निलाओगे घर जाने के बाद, तो उस बाल्टी में 2-3 नंबर वो पानी डाल देना, उससे निला लेना, तेल से मालिश चालू रहना मालिश। एक हफ्ते में मतलब वो तेल खत्म हो जाना चाहिए, एक हफ्ते में। और फिर अगले संडे वो वापस तेल, यानी 5 संडे आना, ये आज तो होके 4 और है ना। चलो ठीक है, अगली बार अगर लास्ट का मैं थोड़ा बहुत फर्क दिखे ना, हाँ। इस संडे में, हाँ। लास्ट संडे में शनिवार के दिन आके रात रुक के जाना, इनको वहीं पे सुलाना मंदिर के वहाँ। अच्छा। और अगले संडे में दर्शन करके मम्मी पे रखकर रहने दो, नहीं नहीं रखकर रहने दो, जो मन्नत जो पूछनी है यहाँ पे क्या है कि जो भी बताना वो रात को, हाँ एक मिनट, वो शनिवार के दिन रात को आते ना तो उनको वहाँ अकेले, मतलब इनके पास कोई नहीं सोता रात को, कोई नहीं सोएगा मम्मी, एक से ये कुछ वो कह रहे हैं सुनो ना, एक जना सो जाएगा बाकी लोग।